नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। अपराध की योजना बना रहे दो अपराधी को एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस समेत हंसडीहा पुलिस ने धर दबोचने में कामयाब रही। पुलिस को यह सफलता शनिवार शाम को मिली। गिरफ्तार अपराधी थाना क्षेत्र के पगबारा गांव निवासी प्रफुल्ल कुमार यादव और मिथिलेश कुमार दास है। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर SDPO जरमुंडी उमेश कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि बीते 26 मार्च को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हंसडीहा दुमका मार्ग पर अपराधी किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है। SPO के निर्देशानुसार थाना प्रभारी आकृष्ट अमन के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। पुलिस हंसडीहा भागलपुर मुख्य मार्ग पर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप के समीप से प्रफुल्ल कुमार यादव को पकड़ा। गिरफ्तार प्रफुल्ल के पास से पुलिस को 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर पुलिस एक अन्य अपराधी मिथिलेश कुमार दास को उसके घर से गिरफ्तार करने में सफल रही, जिनके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस की सक्रियता से एक बड़ी अप्रिय आपराधिक घटना घटने से टल गई। पुलिस मामले में कांड संख्या 23/2022 के तहत भादवी की धारा 25(1)(b)(a) 26/35 आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपी प्रफुल्ल यादव का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अपराधियों के पास से एक बाइक भी बरामद किया है। पुलिस अपराधियों के अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता को खंगालने में जुटी हुई है। पगवारा ग्राम हंसडीहा थाना के अंतर्गत दो अपराधी प्रफुल्ल कुमार यादव और मिथिलेश कुमार दास दोनों को संदेहावस्था में चहलकदमी करते हुए देखा गया। गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी दी गई कि उनके पास अवैध हथियार है और कोई अप्रिय घटना करने के फिराक में घूम रहे हैं। थाना प्रभारी को तुरंत सूचना मिली। इस आशय की सूचना बड़े पदाधिकारी को भी दी गई। बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके आदेश के अनुपालन में थाना प्रभारी तुरंत अपराधियों की खोजबीन में निकल पड़े और अपराधी को दबोचा गया, जिनके पास से एक देसी पिस्तल, उसमें एक गोली लोड और दूसरे अपराधी के पास 2 कारतूस जिंदा बरामद किया गया, जिसके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अपराध करने की फिराक में घूम रहे थे, बड़ी घटना का अंजाम भी दे सकते थे। थाना प्रभारी की अगर चूक होती तो और कोई घटना कर सकते थे, लेकिन थाना प्रभारी तुरंत इस पर एक्शन किया और अपराधियों को खोज निकाला।